आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो गाइस, दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन आईडी 27739039 6। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यूज किरचॉफ्स रूल टू ऑब्टेन कंडीशन फॉर द बैलेंस कंडीशन इन अ व्हीटस्टोन ब्रिज। अ बैलेंस कंडीशन इन अ व्हीटस्टोन ब्रिज, ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज, ये पी है, ये क्यू है, ये एस ए आर है, दीज आर द रेजिस्टर्स। अब द बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज स्टेट्स दैट पी बाई क्यू शुड बी इक्वल्स टू आर बाई एस। दिस वी हैव टू प्रूफ। ओके, और ये अपने को प्रूफ करना है किरचॉफ्स लॉ से ही, ठीक है ना। तो अपन पहले किरचॉफ्स करंट लॉ यूज़ करेंगे, ठीक है। सो लेट्स यूज़ किरचॉफ्स करंट लॉ एट जंक्शन बी। सो किरचॉफ्स करंट लॉ में क्या बोलते हैं, द करंट एंटरिंग इन द एंड द करंट आउट गोइंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर नोड इज इक्वल। सो आई वन इक्वल्स टू आई जी प्लस आई थ्री, ये हो गया अपने इक्वेशन वन, बिकॉज आई जी इज the galvanometer current and I3 and I1 are the current respectively from AB and BC, right? अब at D use करेंगे अपन, at junction D the equation would be I2 plus IG equals to I4, ये हो गया अपना equation number 2. Now if current through galvanometer is जीरो, मतलब जब आई जी इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, है ना, व्हेन आई जी इज जीरो, व्हाट विल बी द थिंग इज आई वन प्लस आई वन इक्वल्स टू आई थ्री, राइट, एंड आई टू इक्वल्स टू आई फोर। ये हो जाएगा अपना दो कंडीशन जो अपने को इन दोनों इक्वेशन से मिलेंगे। अब अपन क्या करेंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यूज करेंगे, यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एट ए बी डी ए। अपन ए बी डी ए पे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यूज करेंगे, है ना। ये हो गया अपना जंक्शन है डी, ठीक है ना। अभी आई वन पी प्लस आई जी जी इक्वल्स टू आई टू आर, हो गया इक्वेशन 3। एंड सिमिलरली एट बी सी बी ए आई थ्री क्यू इक्वल्स टू आई फोर एस प्लस आई जी जी, ये हो गया अपना दो इक्वेशन जो अपने को किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से मिला, ये वाले और ये वाले नोड या फिर पार्ट के लिए, ठीक है ना। अब फॉर द नेक्स्ट पार्ट, अब अपन क्या करेंगे, सिमिलर कंडीशन व्हेन गैल्वेनोमीटर, है ना, गैल्वेनोमीटर करंट इज जीरो, व्हेन गैल्वेनोमीटर करंट इज जीरो, आई जी इक्वल्स टू जीरो, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 जो आपने अभी निकाला अपन ने फ्रॉम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, आई वन पी इक्वल्स टू आई टू आर एंड आई थ्री क्यू इक्वल्स टू आई फोर एस, बट from equation 1 and 2 we know I1 equals to I3 and I2 equals to I4. So from both this, from all the four conditions, we can simplify or we can jot down is P by Q equals to R by S. ये अपने को proof हो गया, ये है answer P by Q equals to R by S. So पहले अपन ने क्या किया, पहले अपन ने ये दो conditions निकाले from Kirchhoff's current law, then अपन ने ये दो conditions निकाले from Kirchhoff's voltage law, और इन चारों को जब हमने मर्ज किया, अपन ने जब मर्ज किया तो अपने को ये आया P by Q equals to R by S. That's the answer. Thank you.
क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।